नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओलंप ट्रेड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आप उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज लेके मनी अर्न कर सकते हैं, लॉस में 1% जा सकते हैं यानी 99% यह प्रॉफिट में ही जाएगी स्ट्रेटजी। तो अगर आप यह बिल्कुल आसानी से स्टेप बाई स्टेप जानना चाहते हैं तो आप यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों ओलंप ट्रेड ऐप को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करें और अपना अकाउंट रजिस्टर करें। जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर करके इसके होम पेज पे आते हैं यानी टर्मिनल पेज के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे दो ट्रैकर लगाने होंगे। ट्रैकर लगाने के लिए सबसे पहले आपको टॉप के ऊपर बिटकॉइन के पास में इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे कस्टम इंडिकेटर मिलेगा 4th नंबर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे ईएमए इंडिकेटर लगाना है। ईएमए इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कीजिए और ऐड टू चार्ट कीजिए। फिर वापस आप ईएमए इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कीजिए और ऐड टू द चार्ट कीजिए। फिर आपको फर्स्ट वाले ईएमए इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और इसे यहाँ पे 5 कर देना है, अप्लाई कर देना है। इसके बाद सेकंड वाले ईएमए इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है, इसे आपको 50 कर देना है और यहाँ पे येलो कलर के ऊपर क्लिक करके आपको इसे कोई भी कलर चेंज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसे रेड कर दिया और आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फिर वापस आप इसके होम पेज पे आ जाइए यानी टर्मिनल पेज के ऊपर आ जाइए। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे जब भी येलो लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करती है, अगर डाउन में क्रॉस करती है तो आपको 1 मिनट का ट्रेड लेना है डाउन के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर यह है येलो वाली लाइन है, डाउन में इसको क्रॉस किया है रेड वाली लाइन को, तो यह कंप्लीट डाउन में ही जा रहा है यानी डाउन में ही गया है। क्रॉस करते ही आपको ट्रेड ले लेना है यानी इस पॉइंट के ऊपर आपको ट्रेड लेना होगा। जैसा कि आप देखेंगे डाउन में ही जा रहा है, यहाँ पे भी यह डाउन में ही गया है यहाँ से। और आप पीछे की तरफ देखिए जब यह अप में जाता है, येलो वाली लाइन रेड वाली लाइन को अप की तरफ क्रॉस करती है, तो आपको यहाँ पे अप के अंदर ट्रेड लेना है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे यह अप में ही गई है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि येलो वाली लाइन डाउन में गई है तो इस टाइम पे 1 मिनट का ट्रेड लेना है। तो अब हम वेट करते हैं यहाँ पे, इसमें तो अभी बहुत टाइम है इंडिकेटर को यहाँ पे येलो वाली लाइन को क्रॉस होने में, तो अब यहाँ पे कोई करेंसी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बिटकॉइन से यहाँ पे GBP सेलेक्ट कर रहा हूँ, GBP USD। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि आप देखेंगे अभी इसने इसे आपकी साइड क्रॉस किया है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड लगा दिया है। अब हम देखते हैं ग्राफ, इसमें ऊपर की ओर ही जाना चाहिए क्योंकि यह ऊपर की ओर क्रॉस किया है। आपको यानी 5-10 सेकंड वेट करके इसको इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि अचानक ही कभी यह ग्राफ डाउन भी चल जाता है फिर वापस अप हो जाता है। तो एक बार यह अप में क्रॉस कर गया तो यह अप में ही जाएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए डाउन में चल जाए। एक बार आप अब देखते जाइए इस ग्राफ को। अभी आप जैसा कि देखेंगे यह अप की साइड ही जा रहा है। जब यह डाउन में जाता है तो ज़्यादातर डाउन में ही जाता है, जैसा कि आप इसमें बैक में देख सकते हैं पीछे की साइड। यह देखिए यह यहाँ पर डाउन में क्रॉस किया था, तो यह पूरा कम्प्लीट यह डाउन में ही गया है। यहाँ पर अब यह अप में ही जाएगा, तो कंप्लीट अगर आप इसमें पीछे देखेंगे जब यह अप में गया था, यहाँ से यह अप के अंदर गया था, तो यहाँ पे यह अप के अंदर आके फिर डाउन में गया था, तो कंप्लीट इसने यहाँ पे डाउन में ही क्रॉस किया था। और यहाँ पे अब यह 14 सेकंड बचे हैं, 12 सेकंड बचे हैं और अभी भी हमारा ग्राफ यह अप की साइड ही जा रहा है, यानी हमारे 99.99% यहाँ पे जीतने के चांस हैं। तो दोस्तों जब भी यह ग्राफ क्रॉस करता है उसके थोड़ी देर बाद आपको इन्वेस्ट करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको +$82 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है और हमारा यहाँ पे अमाउंट था जो वो इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप इस स्ट्रेटजी को काम में ले सकते हैं, यानी इस तरह मैं आपको और भी स्ट्रेटजी बताऊँगा आगे। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप और किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्या।